गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज कक्षा 12वीं की बात कर रहे हैं और 12वीं में ये सेकंड अध्याय है, खत्म ही होने वाला। यूँ समझ लीजिए बस एक वीडियो इसके बाद और आएगा जिसमें सेकंड चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। उसके बाद में हम प्रारंभ करेंगे तीसरा चैप्टर, यानी कि ये क्रम जारी रहेगा। एक बात आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी अगर फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है, सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, साथ में 12वीं कक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक अच्छा सा वीडियो आप लोगों के लिए है। दोस्तों, अगर जो 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं उनको नोट्स या इस वीडियो की पूरी लिंक, जितने भी वीडियो आएंगे या पूरा सिलेबस होगा, उससे मुझसे जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप पर YT लिखना है, 12th क्लास लिखना है, फिर आपका नाम, जो भी अगर राम है, श्याम है, मोहन है, ये लिख करके मुझे सेंड करना है 9928544989 9928544989। इस पर आप मुझे सेंड कर दीजिए। इसी प्रकार जो विद्यार्थी अगर 10वीं के हैं तो 10 लिख दें और यहाँ पर आपका नाम लिख दें। आठवीं वाले हैं विद्यार्थी तो 8th लिख दें, यहाँ पर आपका नाम लिख दें। और रीट वाले विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर RT लिखना है, रीट वालों को लिखना है RT, फिर नाम लिखकर व्हाट्सअप कर देना है। ये रहा पूरा का पूरा एक प्लान कि आप किस तरह से मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें ना करें ये कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे अच्छी ढंग से पता है कि जब वो आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो या आपके लिए उपयोगी होता है तो वो चैनल आप वैसे भी सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि कम से कम 10-20 हज़ार का एंड्रॉयड फ़ोन रखने वाले को इतनी समझ अवश्य होती है कि क्या चीज़ काम की है और क्या चीज़ काम की नहीं। चलिए बात करते हैं 12वीं की और 12वीं में हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। और जीव विज्ञान में आपका अध्याय है आपका 2 और अध्याय दूसरा है और ये व्याख्यान संख्या जो है वो 9वीं है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में एक चीज़ आती है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है और हम पढ़ते हैं कि आखिरकार जीव विज्ञान के अंदर पिछला जो टॉपिक था आप लोगों ने पढ़ा और नर जनन तंत्र का पूरा, अब ये जो आ रहा है हमारे पास में वो किस पर होगा, मादा जनन पर आधारित होगा। चलिए, मादा युग्मकोद्भिद की संरचना पहले अपन क्या पढ़ेंगे, मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद यानी कि नर और मादा दो भाग होते हैं, तो उसमें से दूसरा भाग हम पढ़ रहे हैं मादा युग्मकोद्भिद। अब क्या है इसको समझने की थोड़ी सी हम प्लानिंग करते हैं। जितने भी आवृत बीजी, क्योंकि हम पढ़ भी आवृत बीजी के बारे में ही रहे हैं, तो आवृत बीजी किसे बोलते हैं, जिनके बीज आवृत होते हैं या ढके हुए होते हैं। तो ध्यान देना, आवृत बीजी पादपों के मादा जनन नांग को जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं, गायनेशियम या जायांग कहते हैं। तो आवृत बीजी पादपों के मादा जननांग को, कौन से मादा जननांग को क्या कहते हैं, हम जायांग कहते हैं। बात क्लियर होनी चाहिए। आप लोगों ने पुष्प की संरचना देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो पुष्प की आंतरिक संरचना का अध्ययन एक बार कर लेते हैं। हमने पहले जो बात करी थी, यहाँ पर हमने किसकी बात करी थी, पराग कोष की बात करी थी, और ये कौन सा है हमारे पास में, स्त्री केसर है। तो ये जो पूरा भाग है इसमें ये बीजांड है। अब इसको बीजांड अंदर की तरफ है, बाकी तो अंडर से बोलेंगे पूरा। ध्यान से समझना, तो आवृत बीजी पादपों के मादा जननांग को, जो मादा जननांग है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो जायांग के नाम से जानते हैं। आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम। अब जायांग किससे बना है, तो जायांग अंडब से मिलकर बनता है। जो अंडाशय है उससे जायांग का निर्माण हो रहा है। देखिए, ये वाला भाग जो है वो क्या होगा, अंडाशय वाला भाग है, तो इससे क्या हो जाएगा, बीजांड में जो अपन यूँ कहेंगे कि आवृतबीजी पादप जो है उनके जायांग यानी कि जननांग जो है, कौन सा, फीमेल जो पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। और जायांग किससे मिलकर बना हुआ है, तो जायांग मिलकर बना हुआ अंडब से या अंडाशय से मिलकर बना होता है। अच्छा, ये जो अंडब है, अंडब के किसे रहे हैं, या अपन बीजांड के अंडब के किसे रहे हैं, तो समझिए अंडब किसे कह रहे हैं, तो अंडब किसे बोल रहे हैं अपन, अंडब
बीजाणु को धारण करने वाली विशेष पर्ण को कहा जाता है। जो बीजाणु को यानी कि जो अंडप है वो बीजाणु को धारण करने वाली विशेष संरचना को अपन क्या कह रहे हैं, अंडप कह रहे हैं। और इस पर्ण को, इस धारण करने वाली पर्ण है, इसको हम पूरा क्या कह सकते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु बीजाणु पर्ण। इसे अपन क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु पर्ण के नाम से जाना जाता है। यानी कि आवृत बीजी पादपों के जो मादा जननांग भाग है, उस मादा जननांग भाग को अपन क्या बोलेंगे, हम जायांग बोलेंगे। और जायांग किससे बने हुए हैं, अंडप से बने हुए हैं। अंडप किस प्रकार का रूपांतरण है, तो एक पर्ण का रूपांतरण है। उस पर्ण को अपन क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु पर्ण के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो अब इसके कितने भाग हैं, इसके कितने भाग हैं, मूलतः इसके भाग कितने हैं, तो अगर अपन भाग में अध्ययन कर रहे हैं इसके, तो तीन भाग हैं। पहला भाग आता है वर्तिकाग्र। कौन सा भाग आता है, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र का मतलब क्या हो गया, सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो कहलाता है वर्तिपाग्र, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या होता है, यह पराग कण को स्थान प्रदान करता है। मतलब स्थान प्रदान करने का मतलब क्या हो गया, यानी कि परागकण जो भी होंगे जहाँ पर आकर ठहरते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, सम जाति, एक ही जाति के परागकण का अंकुरण करता है। देखिए, जो एक ही जाति के परागकण हैं उनको अंकुरित करेगा, उसको वहाँ से नली निकालेगा। क्या, किसका निर्माण होगा, पराग नली का निर्माण होता है, अभी पराग नली क्या है, पराग कण से निकलने वाली जो नली थी कायिक कोशिका से बनी हुई थी। ध्यान आ रहा आपको, एक अपन ने पराग कण पढ़ा था, पराग कण के अंदर दो कोशिकाएं पड़ी थी, ऊपर वाली कोशिका थी, नीचे उत्तल कोशिका थी। ऊपर वाली कोशिका जो थी वो कायिक कोशिका थी, उससे एक नली निकलती, उसे अपन पराग नली कहते हैं। याद आ गया। तो ये पराग नली का निर्माण करने में सहायक कौन है, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र मतलब वर्तिका का ऊपर वाला भाग। दूसरा भाग हमारे पास में आता है वर्तिका। दूसरा कौन सा आता है, वर्तिका। यह कैसी होती है, यह नली का आकार की होती है, नली का के आकार की होती है, इसका आकार किस प्रकार का होता है, नलिका के समान होता है। नलिका जो होती है ना, उस तरह से दिखाई देती है। मध्य वाला भाग है ना, क्या करती है, पराग नली को मार्ग देती है। पराग नली इधर उधर नहीं जाती, इसके कारण वो क्या जाएगी, सीधी अंडाशय में जाएगी नीचे। तो पराग नली को मार्ग देने का काम कौन करेगा, यही करेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे का अपन भाग देखते हैं। फिर आएगा हमारे पास में तीसरा अंडाशय। कौन सा आएगा, अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, ये क्या है, ये विशेष संरचना है अंडाशय। इसको अपन क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु धानी। किस नाम जानते हैं इसको, गुरु बीजाणु धानी के नाम से जानते हैं। और इसी में यूँ कह सकते हैं, हमारे पास में जितने भी बीजाण जो होते हैं वो यहीं पर हो गए, तो बीजाण का निर्माण यहीं होता है, बीजाण इसी में निर्मित होते हैं। अब जो बीजाण है, जिनका निर्माण हुआ है, बीजाण की संरचनाएं किस प्रकार की होती है, ये थोड़ा सा समझने का विषय है। एक बार आप स्क्रीन शॉट लीजिए और इस व्याख्यान को कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।